मध्यांतर के बाद देखा जाएगा बढ़त हासिल होती है और कौन कल ये परिचय है दोनों ही टीमों का खिलाड़ी का आमना सामना और सेमीफाइनल मुकाबले पर कहा मजाक कर लंबी सीढ़ी के साथ इस मैच का प्ले ऑन किया गया है। नंबर 17 रोमियो ग्रुप के खिलाड़ी लंबे कट काटे गए, छोटे से माइनस पास देना उचित समझे। दोनों ही टीमों में अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का समावेश हुआ है। नामचीन खिलाड़ी मौजूद नॉकआउट मैचेस के तमाम धुरंधर इस मैच पर मौजूद। चलिए मैं बारीकी से बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं चाहूंगा डीएस वर्सेस स्मृति, आप देख सकते हो पिछले मैच का स्कोर है। जर्सी नंबर 11 मिस्टर लाडू, जर्सी नंबर 10 पर आप देख सकते हो भूधर को और जर्सी नंबर 9 पर रामसी को देख सकते हैं। ये तीन खिलाड़ी वो खिलाड़ियों में से जाने जाते हैं जो क्षण भर में अपने टीम के लिए स्कोर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे अगर मौका मिल जाए उनके विपक्षी दलों की बात करी जाए, ये जर्सी नंबर 12 सॉरी जर्सी नंबर 16 जिनके नाम एक स्कोर है मिस्टर रामप्रसाद, अक्सर से हम चट मास्टर के नाम से जानते हैं और अपने टीम के लिए बेहतरीन खिलाड़ी। वही देखा जाए मिस्टर प्रकाश गगरे क्या गेंद को गोल साल में उठा जाएगा, टारगेट पर रखने का प्रयास है, तमाम कोशिशें करी गई है। गेंद पूरी तरह से डी बॉक्स के अंदर लेकिन डिफेंडर वहां पर तैनात किया गया है। डाइसोर पर क्या गेंद तक पहुंच पाएंगे, जी हां नंबर 4 कायरा ये रहा 50-50 का मुकाबला। चूंकि एक समय देखा जाए शुरुआती लम्हों में ये जो टीम रोमियो ग्रुप की टीम अपने कब्जे में ज्यादातर बॉल को लेने का प्रयास किए थे, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं आगे थे खांडापुर फुटबॉल क्लब के खिलाफ। जमीनी स्तर से किक किया गया है, काफी करीबी मामला था लेकिन पूरी तरह से झुंड जो है रोमियो ग्रुप की झुंड वहां पर तैनात थी इस बॉल को बाहर निकालने के लिए। एक बड़ी दीवार की बात वहां पर अपने आप को तैनात किए थे। इस मैच का परिणाम इस रनिंग मैच पर देखने को मिल जाएगा। इस परिणाम के लिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा दोस्तों, कहीं मत जाइए क्योंकि ये बड़ा मुकाबला और साथ साथ कड़ा। चूंकि बड़ा इसलिए है
यहाँ से जो टीम जीत कर उभर कर आएंगी यानी फाइनलिस्ट टीम बन जाएंगी वो तकरीबन करीब करीब 20,000 रुपीज यानी सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए से संतुष्टि होना होगा। 15,000 का अंतर है इसलिए ये मैच है बहुत बड़ा है। पहला सेमीफाइनल मैच बर्वत फुटबॉल अकेडमी का इस सीजन का फिलहाल तो नंबर 4 के लिए गए तो सफल गया अभिद्री। अभिद्री की ओर से ये लंबी किक डाली गई लेकिन टारगेट पर रखने में असफल गेंद चल जाएगी सीमा का। पहला हाफ का मिस प्रगति पर दोनों टीमों ने बेहतरीन प्रयास करे हैं लेकिन सभी प्रयासों को जो है मुख्य डिफेंस इस तरह से सेकेंड हाफ का खेल चलता हुआ। आप सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि कल हमारे इस मेले में रंगारंग टुसु नाच गान के साथ साथ चीयर्स गर्ल्स डांस का नजारा देख सकेंगे। बिल्कुल हमारे मंच से दक्षिणी छोर पर टुसु अखाड़ा दूर से आएगी हमारे चीयर्स लेडी का डांस देखने को मिलेंगे साथ ही साथ संस्कृत कार्यक्रम टुसु नाच का। नहीं वो तो ठीक है लेकिन बताऊँ न सेकेंड हाफ का खेल चलता हुआ फिलहाल अभी तक के स्कोर मैदानों के बीचों बीच जो सेमीफाइनल का मैच देख रहे हैं रॉड एंड रोमियो ग्रुप वर्सेस टीएस बर्गर्स बिद्री के बीच में फर्स्ट हाफ का खेल समाप्त हो चुकी है अभी सेकेंड हाफ का खेल चलता हुआ अभी तक का स्कोर दोनों ही टीमों का 0-0 पर चलता हुआ। इस तरह से बहुत ही रोमांचक मुकाबला सेमीफाइनल का खेल चलता हुआ रॉड एंड रोमियो ग्रुप वर्सेस टीएस बर्गर्स बिद्री सेकेंड हाफ के चलते अभी तक का स्कोर दोनों ही टीमों का 0-0 पर। यहाँ पे खतरा हो सकते थे लेकिन गोलकीपर की जितनी भी तारीफ किया जाए उतना कम है कर पाते हैं कुछ अपना टीम के लिए शूटिंग करना चाहा पर
इस तरह से बॉल को लंबा किक के जरिए शूटिंग, बॉल फिलहाल डीएस बर्गर्स के कब्जे में बॉल को छीना झपट करते हुए बॉल को अपने कंट्रोल में लेते हुए रॉड एंड रोमियो अभी फिलहाल डीएस ब्रदर्स के पक्ष में बॉल देखना होगा क्या कर पाते हैं जर्सी नंबर 11 अपना साथी खिलाड़ी को पास देना चाह रहा फिलहाल नाइन नंबर डीएस ब्रदर्स यहां पे गलत पास डिफेंडर मौजूद देखते ही देखते खेल की समाप्ति डीएस ब्रदर्स बिद्री के डीएस ब्रदर्स बिद्री को पहला किक करने का मौका नंबर 12 मिस्टर आनंद चुनो पांडे पांडे चुन पांडे क्या पहली किक पर पहली स्कोर ला पाएंगे या फिर ये 100 सुनार का और एक लोहार का हथौड़ा देखने को मिल जाएगा जो पूरी तरह से गेंद पर लग जाएगी बिल्कुल टाइप तो किए थे लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि गेंद में इतनी गति दे बैठे थे वहां पर ये भी अपनी लंबाई का खासा इस्तेमाल करते हैं गोलकीपर की भूमिका पर अक्सर हम इन्हें देखते हैं काफी मोटे और हट्टे कट्टे लंबे कद खाटी के गोलकीपर नागेंद्र पान जो इस वक्त गोलकीपर की भूमिका को अदा कर रहे हैं उनकी चंचलता को देखें करीबी से तो बहुत ज्यादा चंचल नजर आते पहली गेंद और यहां पर टाइगर की भांति गेंद पर लपकने का पूरी प्रयास किया गया था लेकिन गेंद जियो भाई जियो के नाम सुनते ही हमें तो सबसे पहले नेटवर्क का याद आता है नेटवर्क रेंज जो है काफी तेज है जियो का इस वक्त हमारे इस क्षेत्र में क्या उसी तरह का रेंज को इस गोल पोस्ट के भीतर दौड़ा पाएंगे यहां पर जियो लोहार मुख्य गोलकीपर इस वक्त गोल पोस्ट पर अपने टीम्स के लिए भाई ये क्या यहां पर ये शख्स जर्सी नंबर 17 पे जो नजर आ रहे हैं प्रकाश काकराई इनकी गेंद इनकी किक को बचा पाते हैं क्या देखना काफी दिलचस्प होगा पूरी तरह से तैयार ये भी सुंदर सा चकमा सेकंड किक सेकंड स्कोर रॉड एंड रोमियो ग्रुप की ओर से इस बार तो पूरी तरह से बीट खा गए नागेंद्र पहाड़ टिप किक के लिए हमारे पास एक अनुभवी खिलाड़ी अब भी मौजूद लेकिन उन्हें यह भी तो जानना होगा जियो को कि उनके सामने जो इस वक्त नंबर 10 मौजूद है मिस्टर बुधन ये बुधन जो है अपने टीम के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक जाने जाते हैं जॉगिंग करने का थोड़ा चुनाव सर जोर मारे इस गेंद पर इतनी पावर दी गई थी कि जियो इस गेंद को आपकी अंतिम किक को बचाने में सफल हो जाएंगे किस तरफ जाएंगे कि कैसा यह करेंगे टाइप का अंतिम किक टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी भाई ये जो खिलाड़ी है विशाल गोप फुटबॉल की दुनिया में फुटबॉल से ताल्लुक रखने वाले बहुत समय पूर्व ये फुटबॉल से ताल्लुक रखे हुए हैं लेकिन अब तक हमारे इस मैदानी जंग पर इनका जलो भी बेहतरीन देखने को मिलता है क्या इस अंतिम किक को गुलजार मुलझा पाएंगे सामने नागेंद्र पहाड़
मिलेगा मिलेगा हर बार रहा ना बिल्कुल अपना अनुभव का खासा इस्तेमाल करता हुआ और इस बार गेंद को भेजा गया कहीं और खेलने के लिए टॉस का माध्यम से टॉस का सहारा लिया जाएगा। कौन सी टीम को किस्मत साथ देगी और कौन सी टीम को किस्मत लगा दे जाएगी बिल्कुल आने वाले एक मिनट के अंतराल में आपको पता चल जाएगा। और इस टूर्नामेंट का पहला फाइनलिस्ट टीम कौन होगा ये आपके समक्ष निकल कर आएगी। ओह ओह।